हाथ क्यों नहीं पकड़ा? बताओ मुझे उस वक्त तुम्हें किस सहानुभूति ने था जकड़ा? किस बात ने तुम्हें इतना विवश, इतना लाचार कर दिया कि तुमने वर्षों तक विष का एक एक घूंट पिया? क्या वजह थी कि तुम्हारा मौन तुम्हारे आत्मसम्मान से सर्वोपरि हुआ? क्या वजह थी कि तुमने अपनी जिंदगी के साथ खेला इतना बड़ा जुआ? क्यों तुम्हें यह बात कचोट नहीं गई कि तुमने यह जितनी भी यातनाएं सही वो कहीं ना कहीं तुम्हारी बेबसी को दर्शा गई? चलो माना, माना समाज ने, रिश्तेदारों ने कहा होगा चुप रहो, कुछ मत कहो। माँ पिता ने बेटा लड़की हो कर्तव्य है कतंगा थमाया होगा। सास ने बहू हो पराए घर से आई हो तुम औरत हो इसलिए ही ऐसी बनाई हो या सुनाया होगा। अनभिज्ञ नहीं हूं मैं कि पति ने आवाज नीचे रख चुप रहो या सुनाया होगा। तो कभी पड़ोस की मिसेस चड्ढा ने तुम्हें सर चढ़ी नकचढ़ी बहू का खिताब पूरे मोहल्ले से दिलवाया होगा। कभी खुद के ही बच्चों ने कुछ झुंझुलाहट में बस करो माँ तुम्हारा तो टेस्ट ही खराब है या सुनाया होगा। खैर, इसी उहापोह में क्या करूं क्या नहीं, क्या गलत क्या सही, तुमने अपने पूरे जीवन का एक लंबा अरसा बिताया होगा। माना, माना बात संस्कृति, सज्जनता, सहनशीलता की रही है, पर मेरा सवाल तुम सबसे अब भी वही है। पहली दफा उठा हाथ क्यों नहीं पकड़ा? क्यों तुमने अपने आप को इतना विवश कर दिया? क्यों तुमने अपनी जिंदगी के साथ खेला यह जुआ?